हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ई लर्निंग कोर्सेज इज बैक विथ अनादर वीडियो लेक्चर ऑफ फिशरीज और फ्रेश वाटर फिश कल्चर। तो ये हमारा फिशरीज का सिक्स्थ एंड आपके फिशरीज के फर्स्ट चैप्टर एक्वेटिक वीड्स, फिश डिजीज एंड फिश प्रीडेटर्स का फर्स्ट लेक्चर है। अब आप बोलेंगे, सर ये कौन सा लॉजिक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर एंड फिशरीज का सिक्स्थ लेक्चर? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, उसके बेसिक्स को जानना समझना जरूरी रहता है। तो इसलिए हमने आपके लिए फिशरीज के 5 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स बनाए हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो 5 वीडियोस देख लो। उन 5 वीडियोस में सिलेबस में आने वाले सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एक्वेटिक वीड्स, फिश डिसीज एंड फिश प्रीडेटर्स। अभी भी आपने पेन और पेपर नहीं लिया है ना, तो प्लीज़ आप पेन और पेपर ले लीजिए, बिकॉज सभी लेक्चर के नोट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने नोट्स निकाल लिए तो बाद में आपको जब कभी एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो बस नोट्स सामने रख दो और वीडियो को N2 स्पीड में देख लो, बेस्ट रिविजन हो जाएगा। तो देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे एक्वेटिक वीड्स को। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स, उसी उन्हीं एक्वेटिक वीड्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो देखते हैं एक्वेटिक वीड्स। तो क्या है एक्वेटिक वीड्स? एक्वेटिक वीड्स आर डिफाइंड एज दोज अनवांटेड अनडिजायरेबल वेजिटेशन विच रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन वाटर एंड इफ लेफ्ट अनचेक्ड में चोक द वाटर बॉडी रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट्स टू पिसिकल्चर। तो बेसिकली एक्वेटिक वीड्स ऐसे वेजिटेशन है पॉन्ड में जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें कल्चर नहीं कर रहे, ओके, एंड उन्हें अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगे एंड आपके जो पीसी कल्चर है, आपके जो कल्चर्ड फिशेज हैं, ओके, उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स, उन्हीं एक्वेटिक वीड्स को हम अभी क्लासिफाई करेंगे। तो हम दो बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ जोन ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, कौन से जोन में वो जो पर्टिकुलर वीड है, वो जो पर्टिकुलर वेजिटेशन है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ एक्वेटिक वीड्स। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, क्लासीफाई द एक्वेटिक वीड्स ऑन बेसिस ऑफ जोन ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, या फिर क्लासीफाई द एक्वेटिक वीड्स ऑन बेसिस ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ वीड्स। ठीक है, ये 10 मार्क्स का आ सकता है, या फिर इसके बारे में आपको 10 मार्क्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो जितने मार्क्स के बारे में आपको पूछा जा रहा है उतना आपको आंसर लिखना है, ओके। इसलिए आपको बार बार बताया जाता है कि आप नोट्स निकालिए, ओके, बहुत बेनिफिशियल रहता है नोट्स निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ जोन ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन। ऑन बेसिस ऑफ जोन ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, एक्वेटिक वेजिटेशन और एक्वेटिक वीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। ओके, तो सबसे पहला है बॉटम जोन वेजिटेशन। तो बॉटम जोन वेजिटेशन अकर्स ऑन क्ले और सिल्ट। क्ले और सिल्ट मतलब जो बॉटम के पॉन्ड के बॉटम में जो क्ले और सिल्ट जमा रहती है, वहाँ पे जो वेजिटेशन मिलता है वो बॉटम जोन वेजिटेशन में आता है। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स प्रेजेंट है उस जोन में, इंक्लूडेड सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी मतलब ये, और साइनो बैक्टीरिया एंड डाई एटम्स। दिस जोन कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइटल लेयर सिंस द इनहैबिटिंग ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज एक्टिव एजेंट्स इन डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल मैटर सेटलिंग डाउन एट द पॉन्ड। तो ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट है पॉन्ड के इक्विलिब्रियम के हिसाब से, बिकॉज कोई भी जो एनिमल है या फिर प्लांट है या फिर प्लैंक्टन्स है, वो अगर डेड हो गए तो उन्हें डिकम्पोज करने का काम ये लेयर के जो ऑर्गेनिजम्स है वो करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो पॉन्ड की जो क्लीनिंग है वो बॉटम जोन वेजिटेशन के जो ऑर्गेनिज्म से वो करते हैं। तो बॉटम जोन वेजिटेशन के बाद नेक्स्ट है जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स। तो जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स कंसिस्ट ऑफ हायर फनेरोग्राम्स। ठीक है,
फनेरोग्राम्स इट इज अ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इट कंप्राइजेस वैलिसनेरिया, हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, ऑटेलिया, नाजास, पोटामोगेटॉन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो है साइंटिफिक नेम्स है वो प्लांट्स के, तो बराबर नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो किए गए हैं, आपको हर बार बताया जाता है। तो आप भी जब नोट्स बनाएं तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स बिल्कुल फॉलो कीजिए, एंड एग्जाम पेपर में भी आपको वही करना है। दिस वन इज वैलिसनेरिया। ओके, वैलिसनेरिया इज एक्वेटिक वीड एंड इन एक्वेरियम में भी रखा जाता है। ओके, दिस वन इज डायग्राम। नेक्स्ट इज हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, बहुत कॉमन एक्वेटिक वीड है ये। दिस वन इज द सेम हाइड्रिला वर्टिसिलेटा। ओके, दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रिला वर्टिसिलेटा। नेक्स्ट इज ऑटेलिया। दिस वन इज ऑल्सो ऑटेलिया। ओके, एक ऑटेलिया एक पर्टिकुलर स्पीशीज होगी, उनमें भी बहुत ज्यादा वेराइटी आती है, वैसे ही हाइड्रिला, बाकी सब एक्वेटिक वीड्स में बहुत ज्यादा वेराइटीज आती है। नेक्स्ट इज नाजास, दिस वन इज ऑल्सो योर एक्वेटिक वीड्स। नेक्स्ट इज पोटामोगेटॉन। ओके, तो बॉटम जोन वेजिटेशन एंड जोन ऑफ सबमर्ज रूटेड एक्वेटिक्स के बाद हमारा थर्ड है जोन ऑफ सबमर्ज अनअटैच्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन। तो दिस जोन कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स लाइक सेरेटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया एक्सेट्रा। ओके, तो दिस वन इज योर सेरेटोफाइलम। ओके, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेरेटोफाइलम एक्वेटिक वीड। नेक्स्ट इज यूट्रिक्यूलेरिया। यूट्रिक्यूलेरिया को ब्लैडर वॉर्ट भी कहा जाता है एंड इट इज इंसेक्टिवोरस। ओके, इंसेक्ट्स पे फीड करता है ये प्लांट। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली ब्लैडर्स है। ओके, इनके मदद से वो एक्वेटिक इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है। दिस वन इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूट्रिक्यूलेरिया। नेक्स्ट एंड लास्ट इज जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन। ठीक है, सरफेस वेजिटेशन मतलब जो सरफेस पे मिलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन्स इनमें आएंगे, और हायर एक्वेटिक प्लांट्स, हायर एक्वेटिक प्लांट्स में मैक्रो फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे विच फ्लोट ऑन वाटर। ओके, तो माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन चीफली कंप्राइज ऑफ अल्गी सच एज माइक्रोसिस्टिस, क्लोरेला, यूग्लिना एक्सेट्रा, एंड अदर स्पीशीज सच एज स्पायरुलिना, एनावेना, वॉलवॉक्स, कॉस्मेरियम एंड डायटम। एंड ये सब हो गए माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन्स। अभी है मैक्रो फाइटोप्लैंक्टन्स। इट कंप्राइजेस फॉर्म्स लाइक इकॉर्निया, पिस्टिया, सेल्विनिया, वुल्फिया, सिराटोप्टेरिस, लेमना एंड अजोला। ठीक है, अब ये बहुत सारे नाम हो गए। ठीक है, इन सब नामों को याद रखना तो सच्ची में इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने के लिए। क्या है कि फिशरीज है, ये एक ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, ज़्यादा लोग बच्चे ध्यान नहीं देते इस पे। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ आप फिशरीज ही पढ़िए, बट आपको दिन का लगभग सिर्फ 1 घंटा तो भी आप फिशरीज को दीजिए, मिनिमम 1 आवर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ये एंड में आपके रिजल्ट पे, क्योंकि ये आपके 200 मार्क्स रहते हैं इस पे। तो आपको जो रिजल्ट में जो कुछ जो अपील आएगा वो फिशरीज के वजह से ही आएगा। तो आई इंसिस्ट यू, इट इज माई पर्सनल सजेशन कि आप कम से कम मिनिमम 1 आवर तो भी आप फिशरीज को दीजिए। मिनिमम आप एक लेक्चर आप अगर रोज देखेंगे, आपके अगर अगर सभी लेक्चर्स देख के हो गए,
अभी आप बीच में गैप देंगे फिशरीज पढ़ने से, तो उससे अच्छा आप जो आपके लेक्चर्स देख के हो गए आप उन्हें वापस से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये जो एग्जाम्पल्स है, आपको सभी एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी टॉपिक के मतलब दो दो एग्जाम्पल, मिनिमम टू या फिर थ्री एग्जाम्पल्स तो भी आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। जैसे बॉटम जोन वेजिटेशन में आपने याद रख लिया सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बाद में जोन ऑफ सबमर्ज रूटेड एक्वेटिक्स में हाइड्रेलिया नाजास पोटामोगेटान वेलिसनेरिया, इन सब में से दो दो तो भी आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद जोन ऑफ अनअटैच सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन में सीराटोफाइलम यूट्रिकुलेरिया, उसमें आपको दो ही बताए गए हैं। एंड अभी इसमें आप माइक्रोफाइटो प्लैंक्टन्स में दो कोई भी याद रख सकते हैं, स्पायरुलिना एनाबेना, या और मैक्रोफाइटो प्लैंक्टन में दो कोई भी, इकॉर्निया पिस्टिया वुल्फिया। ओके, दिस वन इज इकॉर्निया। ओके, दिस द फ्लावर ऑफ इकॉर्निया। और इकॉर्निया बहुत मतलब इसके बारे में सामने बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे हम इकॉर्निया के बारे में। दिस वन इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकॉर्निया। नेक्स्ट वन इज पिस्तिया। दिस वन इज ऑल्सो पिस्तिया। ओके, दिस इज सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ पिस्तिया। ओके, मतलब एक बार ये इकॉर्निया और पिस्तिया अगर पॉन्ड में आ गए ना, तो ये एक जगह से कंप्लीटली पूरे पॉन्ड में फैल जाते हैं। ओके, दिस इज देयर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, दिस वन इज पिस्टिया, दिस वन इज इकॉर्निया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी आपको अगर पेपर में, आपके एग्जाम पेपर में आपको पिस्टिया इकॉर्निया का कहीं भी रेफरेंस आ गया, तो आपने मतलब छोटे से ब्लॉक में अगर आपने डायग्राम बना दी, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो अभी हमारा हो गया ऑन बेसिस ऑफ जोन ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, हमने वीड्स को क्लासिफाई किया, हमने कौन से चार टाइप देखे, बॉटम जोन वेजिटेशन, जोन ऑफ सबमर्ज रूटेड एक्वेटिक्स, उसके बाद जोन ऑफ अनअटैच सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन, उसके बाद जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन। बॉटम जोन वेजिटेशन में क्या था, जो बॉटम पे रहते हैं, ठीक है, क्ले और सिल्ट में जो वेजिटेशन रहता है। उसके बाद जोन ऑफ सबमर्ज रूटेड एक्वेटिक्स, उसमें क्या देखा हमने कि जो वहाँ के वेजिटेशन है वो रूटेड है बट वो सबमर्ज कर रहे हैं। ओके, पॉन्ड में सबमर्जिंग स्टेट में है। ओके, बट वो रूटेड है। उसके बाद थर्ड हमने क्या देखा, अनअटैच सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन, मतलब वो रूटेड नहीं है, वो जो बॉटम ऑफ पॉन्ड है वहां पे रूटेड नहीं है, वो उनके जो रूट्स है वो वाटर में ही है एंड वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है एंड फ्री फ्लोटिंग है, कहीं भी वो फ्लोट कर सकते हैं। उसके बाद जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन, वो जो पर्टिकुलर वीड्स है या फिर वेजिटेशन है वो सरफेस में ही है। तो ये था ऑन बेसिस ऑफ जोन ऑफ वेजिटेशन। नाउ सेकंड इज ऑन बेसिस ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ वीड्स। तो ऑन बेसिस ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, फर्स्ट इज फ्लोटिंग वीड्स, ठीक है। फ्लोटिंग वीड्स, तो फ्लोटिंग वीड्स है फोलिएज अबव द वाटर सरफेस, उनका जो फोलिएज है, फ्लावर्स है या फिर लीव्स है, तो वो कम्प्लीटली अबव द वाटर सरफेस रहता है, रूट्स हैंगिंग फ्री अंडरनेथ, ठीक है। जो रूट्स रहते हैं वो कम्प्लीटली नीचे हैंग करते रहते हैं अंडर द वाटर। ओके, बट दे आर नॉट रूटेड, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल में देखेंगे पिस्टिया, लेमना, अजोला, वुल्फिया और इकॉर्निया भी इनमें आता है, फ्लोटिंग वीड्स में। ओके, दिस वन इज पिस्टिया। अभी हमने देखा पिस्टिया के बारे में, जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन में हमने पिस्टिया के बारे में पढ़ा था। दिस वन इज लेमना, दिस वन इज न्यू वन फॉर यू। ओके, दिस वन इज लेमना, दिस वन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेमना। नेक्स्ट इज अजोला। एंड दिस वन इज वुल्फिया। दीज आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वुल्फिया। ओके, दिस वन लेमना, इकॉर्निया, पिस्टिया,
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड दिस वन इज वुल्फिया। ओके नाउ द सेकंड इज इमर्जेंट वेट्स। ठीक है, तो इमर्जेंट वेट्स आर रूटेड इन वाटर, ठीक है, बट हैव देयर फ्लावर एंड फोलियज अबव द वाटर सर्फेस। जो फ्लोटिंग वीड्स थे वो नीचे सैंड में या फिर जो सिल्ट है वहाँ पे रूटेड नहीं थे, बट ये जो इमर्जेंट वीड्स है वो नीचे रूटेड रहते हैं, बट उनका जो फोलियज है वो अबव द वाटर सर्फेस रहता है। इनमें आता है निम्फी, निम्फॉइडेस, नेलम्बियम एक्सेट्रा। सो दिस आर निम्फी। निम्फी मतलब योर वाटर लिलीज। ओके, वाटर लिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ निम्फी। दीज आर द सेम, लुक हियर, इट इज क्लियरली विजिबल। ये इमर्जेंट वीड्स है वो रूटेड रहते हैं, बट इनका जो फोलियज है इट इज अबव द वाटर सर्फेस। दिस इज वाटर सर्फेस एंड द फोलियज इज अबव द वाटर सर्फेस एंड दे आर रूटेड बीनीथ। नेक्स्ट आर निम्फॉइडेस। एंड एट लास्ट इट इज नेलम्बियम। नेलम्बियम, इनको नेलम्बो भी कहते हैं। इनमें आपके एक एग्जाम्पल आएगा लोटस का। ओके, लोटस। ओके, दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेलम्बिया और नेलम्बो। नाउ द थर्ड वन इज सबमर्ज्ड वीड्स। ओके, तो सबमर्ज वीड्स मे और मे नॉट बी रूटेड, जरूरी नहीं है वो रूटेड ही होंगे। कुछ रूटेड रहते हैं उनमें, कुछ नॉट रूटेड रहते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ रूटेड सबमर्ज्ड वीड्स, इट कंप्राइजेस हाइड्रिला, नाजास, वेलिसनेरिया एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ डिवॉइड ऑफ रूट्स, जो जो रूटेड नहीं रहते हैं वो है सेराटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया। सेराटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया हमने देखा था जोन ऑफ अनअटैच सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन में। तो ठीक है, वहाँ पे हमने आपको बताया था यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वॉर्ट भी कहा जाता है। तो यूट्रिकुलेरिया इट्स फीड्स ऑन हैचलिंग्स एंड स्पॉन्स। ओके, वहाँ पे हमने बताया था वो इंसेक्टिवोरस है, तो वो इंसेक्ट्स के साथ साथ हैचलिंग्स और स्पॉन्स को भी, मतलब जो अर्ली लाइफ स्टेज ऑफ फिशेज है, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया, आपको डायग्राम में निकाल के आपको समझाया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो दिस वन इज हाइड्रिला। ओके, दे आर रूटेड। नेक्स्ट इज नाजास। ओके, दिस वन इज वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया हमने देखा था जोन ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक्स में, है ना। नेक्स्ट इज सेराटोफाइलम। सेराटोफाइलम और यूट्रिकुलेरिया हमने देखा था जोन ऑफ अनअटैच सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन में। ओके, दिस वन इज ऑल्सो सेराटोफाइलम। ओके, इट इज यूट्रिकुलेरिया। लुक, दीज आर द ब्लैडर्स। ओके, ब्लैडर्स ऑफ यूट्रिकुलेरिया। सो यूट्रिकुलेरिया विच इज नॉट रूटेड, ओके, कोटामोगेटोन एंड हाइड्रिला, दीज आर द रूटेड। सो दिस थ्री आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स ऑफ सबमर्ज्ड वीड्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो हाइड्रिला, पोटामोगेटोन एंड वेलिसनेरिया। ओके, दिस ऑल थ्री आर रूटेड। लुक, इट इज विजिबल, द फोलिएज इज अबव द वॉटर सर्फेस बट दे आर रूटेड। ओके, दे आर रूटेड। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फ्लोटिंग वीड्स देखे, उनमें हमने इकॉर्निया, पिस्टिया, लेमना, अजोला को समझा। उसके बाद हमने इमर्जेंट वीड्स देखे, उनमें हमने नेलम्बो, ओके, निम्फी, निम्फॉइडिस देखा, और एंड में अभी हमने सबमर्ज वीड्स देखा जिसमें हमने यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला, पोटामोगेटोन देखा। ठीक है, तो हमारे अभी तीन हो गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक वीड्स ऑन बेसिस ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ दैट वीड। ओके, तो
अभी आपको डायग्राम्स भी दिखाई जा रही है इन सब वेट्स के साथ साथ में, तो आपको अभी पेपर में कभी भी रेफरेंस आ गया और आपके पास सफिशियंट टाइम है पेपर लिखने के लिए, तो आप डायग्रामेटिकली भी उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो उन वेट्स का। ओके, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो। ओके ओके, अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर अब तक आपने ई लर्निंग कोर्सेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कर लिया? पक्का? ओके ग्रेट। तो अभी जब भी ई लर्निंग कोर्सेज कोई भी वीडियो अपलोड करेगा तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो बहुत हो गया चैनल का प्रमोशन, आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मार्जिनल वेट्स। ठीक है, तो मार्जिनल वेट्स आर मोस्टली रूटेड एंड इनफेस द शैलो शोर एरियाज ऑफ द वाटर बॉडी। ठीक है, तो मार्जिनल वेट्स जो रहते हैं वो मार्जिन में ही रहते हैं मोस्टली, जो मिडल की जो वाटर बॉडी है या फिर पॉन्ड है वहां पे मार्जिनल वेट्स नहीं रहते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज टाइफा। टाइफा इज अ मार्जिनल वेट। नेक्स्ट इज इपोमिया। दिस वन इज ऑल्सो इपोमिया। दिस इज द सेम, दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इपोमिया। नेक्स्ट इज सेजिटेरिया। दिस इज ऑल्सो द सेम। ये दिखने में मोस्टली सेम ही रहते हैं बट ऐसा नहीं है, अलग अलग है ये सब। ओके, नाउ द फिफ्थ इज मैट्स और स्कम्स और हेयरी वेट्स। ठीक है, जो आपने कभी कभी देखा होगा पॉन्ड, पॉन्ड जो रहते हैं वो मतलब कंप्लीटली ग्रीन वेजिटेशन से कवर हो जाते हैं। ओके, तो वो जो ग्रीन वेजिटेशन है या फिर वीड्स है वो एक्चुअली वो मैट्स और स्कम्स और हेयरी वेट्स रहते हैं। तो दिस मैट्स आर फॉर्म बाय फिलामेंटस अलगा। ओके, फॉर्म बाय सिंगल सेल्ड अल्गी। जो फिलामेंटस अल्गी रहती है वो कैसे बनती है? अल्गी बेसिकली मतलब मोस्टली अल्गी जो रहती है वो सिंगल सेल रहती है और जो उनकी जो कॉलोनीज रहती है फिर। ओके, तो कॉलोनीज बनते हैं वो। ओके, उनकी तो कॉलोनीज ऐसे बना बना के बहुत लंबी लंबी कॉलोनीज बनती है, वो फिलामेंटस अल्गी बनती है उनकी। तो जो मैट्स हैं वो उन्हीं से बनती है, फॉर्म बाय फिलामेंटस अल्गी एंड सम क्लमाइडोमोनेट्स एंड यूग्लिनी इन मार्जिनल एरिया और इन मेन मेन बॉडी ऑफ वाटर। तो फिलामेंटस अल्गी आर सिंगल अल्गल सेल दैट फॉर्म लॉन्ग विजिबल चेन्स, थ्रेड्स और फिलामेंट्स। तो दिस फिलामेंट्स इंटरट्वाइन फॉर्मिंग अ मैट दैट रिसेम्बल वेटूल। ठीक है, जो मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है उनका वो वेटूल की तरह लगता है ऐसे। तो दे स्टार्ट ग्रोइंग अलोंग द बॉटम। तो वो बॉटम से धीरे धीरे ग्रो करते करते वो ऊपर आते हैं और बाद में पूरे पॉन्ड को कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। बाद में वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो ऑफन फिलामेंटस एल्गी फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर फॉर्मिंग लार्ज मैट्स विच आर कॉमनली रेफर्ड टू एज पॉन्ड स्कम्स। ठीक है, पॉन्ड स्कम्स कहा जाता है उन मैट्स को। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे टाइटल में देखा मैट्स और स्कम्स। सो लुक हियर, द वॉटर बॉडी इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द अल्गी। ओके, द फिलामेंटस अल्गी। नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो ग्रीन लेयर अबव द पॉन्ड इज कॉल्ड स्कम। स्कम के बारे में हमने अभी देखा, स्कम क्या होता है। फॉर्म बाय सरफेस फ्लोटिंग वीड्स विच फॉर्म स्क्रीन ऑन द सर्फेस। ठीक है, ये अगर पॉन्ड है आपका तो इसके ऊपर कंप्लीटली ऐसे स्क्रीन बना के रख देते हैं ये जो वीड्स है। तो ये स्क्रीन बनने की वजह से क्या होता है, दे शट ऑफ द सनलाइट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो पॉन्ड की जो नीचे की लाइफ है उनको सनलाइट भी नहीं मिलती और एंड जो एटमोसफियर में जो गैसेस है उनके साथ वो जो वाटर में जो डिजॉल्व गैसेस है उनका एक्सचेंज भी नहीं हो पाता। ओके, ड्यू टू सच थिक ग्रोथ ऑफ अल्गी लाइट पेनेट्रेशन इज अफेक्टेड। लाइट पेनेट्रेट ही नहीं कर पाती। ठीक है, इस इमेज में क्लियरली दिखाया गया है, देखिए ये कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैट जैसे बना देते हैं। तो एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ आवर एक्वेटिक लाइफ ड्यू टू विच पॉन्ड स्मेल्स बैडली। तो जरूरत थी
उतनी सनलाइट नहीं मिली, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हुआ, इस वजह से एक्वेटिक लाइफ धीरे धीरे डेथ उनकी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो डेथ होने की वजह से अब वो धीरे धीरे नीचे पॉन्ड के बॉटम में एक्यूमुलेट होने लगेंगे, एंड इस वजह से पॉन्ड जो है बहुत बैडली स्मेल करना शुरू कर देता है। तो दिस फेनोमिना इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन एंड द पॉन्ड इज कॉल्ड यूट्रोफिकेटेड पॉन्ड। ओके, तो आई होप आपको यूट्रोफिकेशन बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ओके, सो दिस इज यूट्रोफिकेटेड वाटर रिसोर्स। दिस इज द सेम। ओके लुक, अभी आपको समझ गया होगा वेट टूल का क्या मतलब था। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन इज अलगी डिस्पर्स थ्रू द वाटर बॉडी एंड दिस इज द लास्ट वन। द टर्म अलगी रिफर्स टू माइक्रोस्कोपिक स्मॉल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ विच फॉर्म कॉलोनीज। हमने देख लिया कॉलोनीज कैसे बनाते हैं यूनिसेल्यूलर अलगीज। तो अलगी यूजुअली डिस्पर्स थ्रू आउट द वाटर बॉडी एंड मे कॉज कंसिडरेबल टर्बिडिटी। ओके, इफ दे अटेन हाई डेंसिटी। ओके, दिस इज हाई डेंसिटी। सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। सो दिस इज साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी। दिस इज द सेम साइनोबैक्टीरिया, इट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ दैट साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज माइक्रोसिस्टिस। ओके, माइक्रोसिस्टिस का यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी चाहिए, एस नहीं चाहिए। माइक्रो MICROCYSTIS। ओके, दिस इज द सेम माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट इज ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट इज नॉस्टॉक। ओके, दिस इज द नॉस्टॉक। ओके, आप ये ओरिजिनल इमेज नॉस्टॉक की पॉन में जो रहता है, ओके, वैसा है। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द नॉस्टॉक। एट लास्ट इट इज एनावेना। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो सिंगल सिंगल सेल है वो यहाँ पे कॉलोनी बनाते हैं। ओके, फिलामेंट बनाते हैं और अलग अलग सेल का अलग अलग रोल रहता है वो कॉलोनी में। ओके, तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं। ओके, उनको एक्वेटिक वीड्स की डेफिनेशन देखिए, क्या है एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स आर दोज अनवांटेड अनडिजायरेबल वेजिटेशन विच रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन वाटर एंड इफ लेफ्ट अनचेक्ड मे चोक द वॉटर बॉडी एंड मे कॉज एडवर्स इफेक्ट्स टू द पीसी कल्चर। ठीक है, आप मतलब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप बस बार बार आपके अगर आंखों के सामने से डेफिनेशन गई तो खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, पहले आपको या पहले सबसे पहले क्या ध्यान में आएगा, आपके अनवांटेड अनडिजायरेबल वेजिटेशन है, और अगर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं की, उन्हें चेक नहीं करते गए हम, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और हमारे जो पीसी कल्चर है, ठीक है, जो कल्चर्ड फिशेज है उनको बहुत ज्यादा हार्म करेंगे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स देखा, उसमें हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ जोन ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, उसमें हमने देखे चार, बॉटम जोन वेजिटेशन जिसमें सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स देखे। उसके बाद जोन ऑफ सरफेस सबमर्ज्ड रूटेड एक्वेटिक देखा था हमने, जिसमें हाइड्रिला देखा था, नाजास, पोटामोगेटॉन। उसके बाद हमने देखा अनअटैच्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग वेजिटेशन, उसमें दो देखे थे, है ना, सेरेटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया। एंड एट लास्ट जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन, उसमें हमने देखा वुल्फिया, लिमना, जोला, स्पायरुलिना, एनाबिना। ओके, एंड नेक्स्ट हमने सेकंड बेसिस में हमने छह देखे। सबसे पहले फ्लोटिंग वीड्स देखा हमने, उसके बाद इमर्जेंट वीड्स देखे, उनमें लोटस था हमारा, वाटर लिली, निम्फी निम्फोइडीज, नेलम्बिया, ठीक है, N3।
उसके बाद हमने सबमर्ज वेट्स देखे। सबमर्ज वेट्स रोटेड भी रहते हैं और नॉट रोटेड भी रहते हैं। तो रोटेड में हमने हाइड्रिला नाजास ओके एंड थर्ड वन इज वैलिसनेरिया, एंड नॉट रोटेड में सेराटोफाइलो एंड न्यूट्रिकुलेरिया दो। उसके बाद मार्जिनल देखे, मार्जिनल में हमने टाइफा इपोमिया सेजिटेरिया ये तीन देखे थे। और बाद में हमने मैट्स और स्कम्स देखे थे, उसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा यूट्रोफिकेशन का। और सिक्स्थ हमने देखा अल्गी डिस्पर्स थ्रू द वाटर बॉडी, अल्गी के बारे में देखा था उसमें। तो हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में भी पढ़ा। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज़ 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 कमेंट में बताइए आपको लेक्चर समझा है नहीं समझा, कोई डाउट है या फिर कुछ भी, आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर कुछ भी नहीं है तो बस अगर अंडरस्टैंड लिखा तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए दैट अंडरस्टूड द लेक्चर। ओके। सो थैंक यू सो मच, आवर लेक्चर एंड्स हियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये, और अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्वेटिक वीड्स ऑन फिश प्रोडक्शन। ठीक है, हमने एक्वेटिक वीड्स के डेफिनेशन में देखा कि अगर उन्हें चेक में नहीं रखा गया तो वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होंगी और हमारे फिश प्रोडक्शन को या पिसीकल्चर को, कल्चर्ड फिशेस को बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे। तो वो कैसे हार्म करेंगे, क्यों हार्म करेंगे, वो हम देखेंगे। और सबसे मेन बात हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्वेटिक वीड्स। वीड्स आपने जब कभी नाम सुना होगा आपको ऐसे लगा होगा इसके एडवांटेजेस कैसे रहेंगे। ओके, तो हाँ इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग ई लर्निंग कोर्सेस एंड शेयर द वीडियो। ओके, शेयर द चैनल विथ ऑल योर फ्रेंड्स ऑफ फिशरीज फ्रेंड्स। ओके, एंड सो थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।